डर निकालने के लिए, बिकॉज अक्सर वो लोग गूगल करते हैं जो बहुत ज़्यादा डरे होते हैं या उसको करके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जो क्वेरीज हैं उसको शांत करो, और इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड देन ट्राई टू फोकस ऑन द ओके। Entertainment which has been provided by Dr. Jyoti today, but entertainment starts with ENT and it ends with ENT. Nobody talks about ENT. And in the center, dental ENT, enteric ENT, central problem ENT. So take care of ENT. Let's club both the steps together, right and left, and we step. Go. 1, 2, 3, forward. 1, 2, 3, up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now move your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so you have to 5, 6, 7. Perfect. Let's do it again. 5, 6, 7. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, perfect. So, what we call this step? Any idea? What do we call this step? Side by side. Very close. Anyone else? It's on step to step. It's step to step. Come on, do it again. And what we call this one? Perfect. मेडिकल कैंप लगाया है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमेशा एक बहुत गंभीर विषय लगता है, ये कि हम मानसिक बीमारी की बात कर रहे हैं, उदासी की बात कर रहे हैं, घबराहट की बात कर रहे हैं। कल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है जिसका थीम है कि मेकिंग मेंटल हेल्थ अ प्रायोरिटी, अ ग्लोबल प्रायोरिटी फॉर ऑल। जब फॉर ऑल की बात करते हैं उसका मतलब है कि हम सब अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखें। वो करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को एजुकेट करें या उन्हें अवेयर बनाएं। तो मनोत्सव का मकसद ये है कि ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की डिस्कशन नहीं है। यहाँ पे हमने सब लोगों को आमंत्रित किया है कि अपने मन को स्थिर रखने के लिए, खुश रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमारी मदद कर सकती हैं, ताकि जो मानसिक परेशानियां हैं वो बढ़ के मानसिक रोग ना बने और आपको दवाओं का या ट्रीटमेंट का सहारा ना लेना पड़े, पहली बात। दूसरा ये है कि यदि लेना पड़ता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए बीमार हो गए हैं। आप हेल्प लें, आप ट्रीटमेंट लें, और ट्रीटमेंट के बाद वापस से, जिसको हम रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, उस प्रोग्राम में आते हैं जिनमें इन सब चीज़ों का महत्व रहता है, ताकि मानसिक रोगों को आगे बढ़ने से और आपकी ज़िंदगी को ख़राब करने से रोका जा सके। और थोड़ा अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं डॉक्टर ज्योति कपूर हूँ। आई एम अ साइकाइट्रिस्ट। PGMS रोहतक से मैंने साइकाइट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और 18 साल से मैं इस क्षेत्र में कार्यरत हूँ। और गुड़गांव में मैं 11 साल से मनस्थली ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हूँ। यहाँ पे मेंटल हेल्थ सर्विसेज की OPD, साइकाइट्रिक साइकोलॉजिकल OPD के साथ साथ म्यूजिक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, डांस थेरेपी, और इन सब आयामों को लिया जाता है, ताकि इंटीग्रेटिव मेंटल वेलनेस की तरफ बढ़ा जा सके। ठीक।